वेलकम बैक छोटूस ब्रेक से आपस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो अब बारी आई है ईमेल एसएमएस की। तो यहाँ पर हमारे ईमेल और एसएमएस आ गए हैं छोटू। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एसएमएस है वो है यासीन का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बिल्कुल, उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर पे आज जिस तरह की डिशेस की बातें हो रही हैं मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, आप अपना खाना ना रोकें और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है ओवरऑल। थैंक यू सो मच। आपने हमें SMS किया और हमारे शो की तारीफ की। अच्छा एक और है, यानी कि दो SMS आए हैं हमारे पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमाल है, मैं कराची से हूँ और आप लोगों का शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सैफ एंड जवेरिया, आप दोनों बहुत ही अच्छे होस्ट हैं और आपका शो भी बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट भी हमेशा ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच जमाल, आपने हमें SMS किया। थैंक यू सो मच जमाल। ओके जवेरिया, आप ईमेल की बारी आती। पहली ईमेल है, हाय जवेरिया एंड सैफ, हाउ आर यू? फाइन। आप दोनों की ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है और सैफ का हेयर स्टाइल मेरी तो बहुत ही कुछ और है। आप दोनों आज बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप दोनों का शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। आपने हमें ईमेल की, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेकंड ईमेल है अदील फ्रॉम लाहौर। अदील कह रहे हैं कि हाय सैफ एंड जवेरिया, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक। मैं आपका शो रोज़ देखता हूँ और मैं आपके शो में आना चाहता हूँ। मैं 5th class में पढ़ता हूँ और मैं पियानो बहुत अच्छा बजाता हूँ। वो देखिए, आप हमारे शो में ज़रूर आएँ। आप हमें ईमेल और SMS कर दीजिए और अपना सब कुछ बता दीजिए और इंशाल्लाह हम हमारे शो में आ जाइए जल्दी से। जवेरिया, अब बारी आई है क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले आंसर बता दो छोटू उसको। हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था जवेरिया? पिछला क्वेश्चन था, केकड़ा अपनी गजा किस तरह चबाता है? अपने अपने पाँव से। बहुत से छोटू ने गलत आंसर दिए, छोटू ने सही आंसर दिए। और जो बिना छोटू हैं वो हमारे पास हैं साइम, समन, जैनब, समीर, जीशी, जूबी, हन्नैन, हारिस, हुज़ैफ़ा, अज़र, शेरियार, हमज़ा। हुई आज तो लाइन लगी हुई है ठीक से। शेरियार, हमज़ा और अजहर, दानिश, लबीब, शाज़ेब, मुर्तुज़ा, फरजान, शामीर, आज़मीर, सामिया। हुई लाइन लगी हुई है छोटू। लगता है आपने ना इसमें इंटरेस्ट लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ईमेल SMS करते रहे हैं। और ये हमारे हैं विनर ऑफ द डे के। छोटू हमारा गिफ्ट हैंपर पर पहुंच जाएगा। छोटू आज के क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स एक दिन में कितनी बार दिल से गुजरते हैं? 1,000, 2,000, 3,000। तो छोटू, जो छोटू सही आंसर देगा वो जीत जाएगा। इंडस छोटू की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट हैंपर। तो छोटू समय ईमेल और SMS करते रहिएगा। अब बारी आ गई है बर्थडे विशेष की। अदनान फ्रॉम कराची, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदनान, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे उनकी है खुश सैफ, जाहिर है लग रहा है आज दावत में जाना है। नहीं, इंशाल्लाह आप हमें बुलाएंगे और हमें केक खिलाएंगे और अच्छे अच्छे डिश। दूसरी बर्थडे किसकी है? दूसरी है अब्बास फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अब्बास, हैप्पी बर्थडे टू यू। थर्ड है अलीम फ्रॉम कराची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलीम, हैप्पी
फोर्थ है इमरान फ्रॉम कराची. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इमरान, हैप्पी बर्थडे टू यू. बर्थडे विशेस खत्म, सब कुछ खत्म. ये घुंगरू क्यों लटक रहे से? ओए घुंगरू ने झुमका झुमका गिरा रे. अच्छा तो यहाँ पे आ गए छोटा सा ब्रेक. ब्रेक में से पहले हम आपको बताएं हमारे क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा और हमारे शो में आ जाइए जिसका नाम है इंडस छोटू. तो यहाँ पढ़ लेते हैं छोटा और मोटा ब्रेक. वेलकम बैक छोटू ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू. छोटू यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं लेबर्स के बारे में. कि मैंने जैसे कि आपसे पहले पूछा था कि लेबर्स को उनके नहीं मिलते राइट, तो आप मतलब कि अगर आप होते कि लेबर्स को आप अगर आपको चले प्रेसिडेंट बना दीजिए, आप क्या करेंगे लेबर्स के लिए? बहुत सी खिदमतें करूँगा, सर्व करूँगा, मीन्स उनको उनके हक दूंगा जो ये मेहनत करते हैं, जो लोग इतना करके एक तरह से आज़ादी कर देते हैं अपने आप को, इतनी स्ट्रगल करते हैं, उनका सबसे पहले तो हक दूंगा. उनको ऐसा कर देंगे कि उनको किसी की कमी नहीं रहेगी. हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल. अल्लाह करे हमारा पाकिस्तान ऐसा हो जाए. पता नहीं हमारे पाकिस्तान को क्या हो गया है. हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह से इतना अच्छा भला था, अब आज कल ना देखिए यार घर पहुँचो हालात खराब है, आ जाओ भाई में जल्दी आओ जाओ. हम तो घर जाना पड़ता है ऐसे, हम हालात खराब होंगे. पता नहीं क्या यार, हम लोग लेबर्स डे पे बात कर रहे थे कि लेबर बेचारे इतने इतने भारी भारी पत्थर उठाते बेचारे जो मजदूर होते हैं, कितनी मेहनत से घर बनाते हैं, उन्हें क्या कुछ मिलता है, रोज के पैसे मिलते हैं वो भी इतने कम, और इतनी सुनाते हैं वो लोग बेचारे मजदूरों को. ये बेचारी क्या कर रहे हैं यार, जो वहाँ पे आते हैं ना क्या नाम है, हाँ ट्रैफिक सिग्नल पे आते हैं अक्सर, हमारा हाथ नहीं है यार क्या आसीने झूली होती है. एक अंकल आए हैं का भाई अल्लाह के लिए नाम पे करके तो देखो अल्लाह भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो. उनके आसीन ना हिल रही थी, हवा बहुत चली थी. अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, हमने कहा माफ करो अल्लाह के नाम पे दे दो, हाथ नहीं है. उसी वक्त घर के उनके नीचे उड़ी धो देगा दोनों हाथ नीचे. और मैंने यार क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों ये क्या ये क्यों ये वाकई में सर, तुम सच बताओ? सच बता रहा हूँ मैं. अच्छा तुम ना मेरी ना, मैं इसके प्रोग्राम के बाद बताऊंगा, तुम ना जाना और चेक करना. तुम चेक करना जाके ना, एक वो यूँ के रेड कलर का बनाया हुआ होगा मैंने उस पर, और यूँ करके हाथ दिख रहा होगा नीचे से पिक. हाँ पिक बनाई है मैंने. अच्छा वो अल्लाह के नाम पे दे दो झूला था, और जब उन्होंने कहा क्यों भाई क्यों, हट्टे कट्टे जाओ काम करो, वो हाथ नहीं है उसी थोड़ी शर्ट और नीचे से हाथ धो लो. वो बोलेगा नहीं वो तो नहीं, वो बताऊँ क्या बोलेगा, बोलेगा पता नहीं कहाँ से आ गए, किसके हाथ से नहीं ओके फिनविजे भाग गया. और एक दफा मैं बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ. हुआ ना, एक ना औरत ना बेचारी घसीटते हुए जाई थी, अंधी थी, घसीटते आई थी, वो दे दो पैसे दे दो, उसको किसी ने नहीं दिया ना. तो जब आगे चले गए ना हम लोग, मेरी फ्रेंड्स और मैं जा रही थी कहीं ना, तो जब हम लोग आगे चले गए ना, देखा सुनसान रास्ता है, आराम से जमीन से उठी और यूं यूं भटकते हुए जा रही थी. अल्लाह यार अक्सर ना लोग करते हैं मने बाजी दे दो, बाजी पैसे दे दो, ये जाके घर में काम करें बाजी पैसे दे दो, पैसे दे दो, नहीं करना चाहिए ऐसे भाई, देंगे अपनी मर्जी. और हमें भी इस तरह डांटना नहीं चाहिए, गरीबों का भी हक होता है, दे दो उनको अच्छा नाम पे पैसे. आओ हमारे साथ आओ काम दिलाएं, बाजी काम कहाँ करेंगे हम, दे दो ना हट्टे कट्टे आते हैं बाजी दे दो. और ये बहुत प्रॉब्लम होती है उन लोग के साथ, अगर बाजी दे दे बाजी दे 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 बाजी दे देना दे ना बाजी, उन कमीज नोचे लग जाएंगे, हाथ पकड़ने लग जाएंगे, भाई क्या है नहीं दे रहे ना, तू ये है तू वो है, हो जाए इतना बदतमीजी करते हुए जाते हैं. और फिर ना क्या होता है, हाँ और अगर पैसे दे दो तो उतना खुश खुश चले जाएंगे. हाँ
और दूर जाके मुंह चढ़ा रहे होते हैं। हाँ, एक मर्दाबा होता है ना, मेरे को पता है आपके तो दोनों हाथ हैं। सैफ, हम लोग पिकनिक पर जा रहे थे तो वो औरत आई थी। अरे बहुत सारे होते हैं सैफ। बाकी चलो जरिए एक अच्छी सी स्टोरी सुना दो। सुनाओ। अब स्टोरी सुनाओगी तुम? स्टोरी मैं सुनाऊ? हाँ चलो। शैतान की स्टोरी सुनाती हूँ। मैं हूँ शैतान, मैं हूँ लोगों को बहकाना, मेरा काम है लोगों को बहकाना और उनमें लड़ाई करवाना। तो अब मैं सबसे पहले एक लड़के को बहकाता हूँ जो जा रहा है मस्जिद नमाज पढ़ने, उसको मैं बहकाऊंगा और वो नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। है छोटे से कद का बच्चा, वो पढ़ने जा रहा है मस्जिद नमाज। ऐसा करता हूँ, ज़मीन पे पैसे गिरा देता हूँ। बच्चे ने पैसे उठाया और देखा 5 रुपये। ऐसा करता हूँ, नमाज पढ़ने से पहले गोला गंडा खा लेता हूँ। मेरा मिशन कामयाब। तो नमाज पढ़ने से पहले गोला गंडा खा लेकर फिर नमाज पढ़ लूँगा। नमाज तो पढ़ लूँगा, गोला गंडा अगर पैसे वैसे खो गए तो मेरा काम बन रहा है। इसका मतलब है ये गोला गंडा खाने के लिए जा रहा है। बच्चा जाता है गोला गंडा खाने, खूब मज़े से गोला गंडा खाते 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 मस्जिद जाता है, देखता है वहाँ से नमाजी बाहर निकल गए। बच्चे को थोड़ा सा दिल में होता है लेकिन वो घर चला जाता है। अब फिर वो दूसरे दिन फिर जाता है मस्जिद के पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए। शैतान उस दिन भी मैं यही करता हूँ, मैं हूँ शैतान और मैं लोगों का काम में काना। तो मैंने आज भी 10 रुपये रखे हैं ताकि वो थोड़ा और मगन हो जाए, नमाज ना पढ़े। ऐसे करते करते मैं इसके साथ रोज करूंगा और नमाज पढ़ना भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा। पैसे जा रहे हैं अकाउंट में, पैसे तो आते ही रहेंगे। तो हाँ। फिर क्या होता है, वो एक शरीफ बच्चा था और वो बहुत बुरा बच्चा बन गया और उसने सब करने के लिए घर से चोरियां भी करने लग गया, अपने माँ बाप के पैसे चुराने लग गया। मेरा मिशन कामयाब। अब मैं अगले मिशन के लिए निकला। एक घर में एक शादीशुदा जोड़ा था, बहुत हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मैंने देखा कि अब मैं सोचता हूँ जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी को जो काम से मना करता है ना, अब मैं उसके दिमाग में डालता हूँ कि बीवी वो काम करे जिससे हस्बैंड को गुस्सा आए। बीवी वो ही काम करती रहती है। मैंने उसके दिमाग में डालता रहा। फिर बीवी को शौहर ने तलाक दे दी और फिर आखिर में दोनों बहुत पछताए और मेरा मिशन कामयाब। शैतान तालियां बजा रहा है। बाकी की स्टोरी मैं कल सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊं ना? नहीं नहीं नहीं, प्रोग्राम का टाइम खत्म। अब जवैया वापस आ गए। प्रोग्राम का टाइम खत्म छोटू, कल शैतान आपको एक और अच्छी सी स्टोरी सुनाएगा, उसी के साथ 2 और 3 स्टोरी सुनाएगा, ठीक है? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। आप हमारे छोटू को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये लेबर्स डे पे, ये लेबर्स डे प्लीज उनका ख्याल रखें। बिल्कुल, जो मेहनत करते हैं, जिनको उनकी हक नहीं मिला जाता उनको हक मिले उनका, बहुत सा बिकॉज वो बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, उनको उतना हक मिलना चाहिए। सबका हक है कि सब लेबर्स का हक है कि उनको पूरा किया जाए उनका। बिल्कुल ठीक। तो छोटू से हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है और बाकी की स्टोरी आपको कल सुनाएंगे छोटू। तो यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय छोटू। बाय बाय छोटू। बाय बाय।